हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी गाइडेंस। आज हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। 101 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहली वीडियोस आ चुकी हैं। अब आप ऐसे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस की ये हम सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें हम यूजुअली हम 10 ही ईडियम्स रखेंगे एक वीडियो के अंदर। और आप लोग ये स्क्रीन पे ये वर्ड्स हैं, ये इडियम्स हैं, जिनके मतलब शायद आपको नहीं पता होंगे, यूजुअल एस्पिरेंट्स को नहीं पता होंगे। अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है, काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहा है, तो उसको मतलब शायद पता हो, लेकिन यूजुअल एस्पिरेंट्स को नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जानबूझ के ऐसे ही वर्ड्स रखे हैं जिनके जो या तो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं या दूसरी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये भी क्रिस्टोफर फिनिक्स वाली BMW बुक से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुरानी वीडियोस में जब मैंने ईडियम्स पढ़ाए हैं, तो मैंने कुछ ईडियम्स को समझाने की भी कोशिश की थी, जो मैंने पर्टिकुलरली SP बख्शी बुक से बताए थे। और उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे आप मीनिंग सेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादातर ऐसे ईडियम्स देखेंगे जिनके आप डायरेक्टली आप शायद उसका मीनिंग ना समझ पाएँ। तो आपको ये या तो मतलब तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, बल्कि कहूँ तो तैयारी ही अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं आपको लॉजिक से नहीं, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ऐसे इनमें से आपको इस सीरीज़ में आपको ऐसे ईडियम ज़्यादा मिलेंगे जो कि यूजुअली प्रीवियस ईयर में तो बिल्कुल नहीं आए हैं, और वैसे भी दूसरे एग्ज़ाम्स में भी शायद नहीं आए। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इन 10 ईडियम्स को हम डिस्कस करेंगे, तो लोग आप में से जो लोग देखना चाहें, वो पहले वीडियो को पॉज कर दें और सोचें कि इनके क्या आपको मीनिंग आते हैं, क्या आप सेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इनके मीनिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ थॉर्न इन द फ्लैश इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस। ऐसी कोई भी आप काम कर रहे हैं और उसमें आने वाले हमेशा कोई हर्डल आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? अ थॉर्न इन द फ्लैश। तो आप इसको तो आप लगा सकते हैं थोड़ा सा, कि फ्लैश के अंदर क्या है, आपके बॉडी के अंदर अगर कोई कांटा फंस जाए तो वो क्या करेगा, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, एनी हर्डल जो कि आपके काम में आ रही है उसको क्या कहते हैं? अ थॉर्न इन द फ्लैश कहते हैं। फिर है एन आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब है एक ऐसी जॉब, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, आसान सा काम होगा और उसमें अच्छी अच्छी आय, अच्छी इनकम मिलेगी, तो उसको क्या कहेंगे? एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर आपने मूवीज़ में या हो सकता है आपके किसी के घर में भी हो, जिसमें झूलते हैं, वो झुकी हुई होती है पीछे की तरफ, तो समझिए ऐसी जॉब जिसमें मतलब आप झूलते रहें, यानी कि आपको कुछ करना ना पड़े, ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े, तो उसको क्या कहते हैं? एन आर्म चेयर जॉब कहते हैं। तो उसी से आया है बेसिकली। फिर है एट अ पिंच, एट अ पिंच का मतलब है इन अ ट्रबल, कोई परेशानी परेशानी में होना, समस्या में होने को क्या कहते हैं? एट अ पिंच कहते हैं। तो समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि पिंच, आपको किसी ने पिंच किया, चींटी काटी, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, आप ट्रबल में हैं शायद, इसीलिए। फिर है एक्स आउट, एक्स आउट का मतलब है टू टर्न आउट, किसी को बाहर कर देना, उसको क्या कहते हैं? एक्स आउट कहते हैं, टू टर्न आउट। ठीक है, कि आप चले जाओ यहाँ से। तो एक्स जो होता है, क्या कहते हैं एक्स, आप देख लीजिएगा हिंदी में क्या कहते हैं, जो लोहा काटने, लोहा कह रहा हूँ, जो लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होता है वो एक्स कहलाता है। ठीक है, तो टू टर्न आउट।
फिर है बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप यानी कि पीछे वाली सीढ़ियों की गॉसिप। बैक स्टेयर जो होती है, फ्रंट स्टेयर जो होती है एंट्रेंस, बैक स्टेयर जो कुछ लोगों, कुछ घर ऐसे होते हैं ख़ास तौर पे यूरोप और उधर की तरफ, और वैसे भी बड़े घरों में जो पीछे की तरफ का रास्ता होता है उसमें जो सीढ़ियाँ होती हैं बैक स्टेयर कहलाती हैं। तो टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स, अनफेयर टॉक, जो कि ऐसी नौकरों के बीच की गपशप होती है और वो बेसिकली अपने मालिकों के ख़िलाफ़ होती है या इधर उधर की होती है, नेगेटिव बातें होती हैं उसके अंदर, तो ऐसी बातों को, ऐसी गॉसिप को क्या कहते हैं? बैकस्टेयर गॉसिप कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सर्वेंट से रिलेटेड गॉसिप है, याद रखिएगा इसको इस तरह से। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन, संख्या में 13। अब डजन जो होता है वो 12 होता है, हमें पता है, दर्जन का मतलब होता है 12, लेकिन 13 अगर कोई चीज़ है, 13 इन नंबर, तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेकर्स डजन कहावत से भी मशहूर है वो। ठीक है, बेकर का डजन होता होगा, मतलब कोई, शायद हो सकता है इसका कोई ओरिजिन रहा हो, ठीक है, लेकिन याद रखना है कि बेकर का डजन जो है वो 13 है, वो 12 नहीं है। बेकर जब कोई चीज़ बनाता है तो शायद वो 12 नहीं बनाता है, वो 13 बनाता है। ठीक है, फिर है बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, काला नीला कर दिया, यानी कि बहुत बुरी तरीके से मार दिया। तो ये तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में भी आ जा रहा है कि किसी को इतना मारा कि वो काला पीला कह रहा हूँ, काला नीला हो गया, कभी कभी वो नील पड़ जाएगी। अब कभी कभी इसे ऐसे ही सोच लीजिएगा, आपके कोई नालायक दोस्त हो जो पिटते रहते हो, या कहीं पिट पिटा के आ जाते हो, आपके छोटे भाई बहन हो, वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि आपके छोटे भाई बहन पिटे, लेकिन फिर भी गली मोहल्ले का कोई लड़का हो, तो अगली बार कोई पिट पिटा के आए तो यही दिमाग में सोचिएगा कि एक कहावत बीट ब्लैक एंड ब्लू हो गया वाला केस हो गया ये तो। ठीक है, फिर है बीट हॉलो, बीट हॉलो जो है उसका मतलब क्या है? टू डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसिंगली, किसी को बुरी तरीके से जो है हरा देना, और मतलब इस हराने में काफ़ी आसानी से आप हरा दें, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए जैसे क्रिकेट मैच के अंदर सामने वाली टीम को इंडिया ने जो है अंडर 100 रन्स पे आउट, ऑल आउट कर दिया और फिर आराम से मैच जीत लिया 9 विकेट से 10 विकेट से, तो वो कहलाएगा बीट हॉलो। थॉरली एंड कन्विंसिंगली, जिस मैच में, क्रिकेट मैच में, फुटबॉल मैच में, हॉकी मैच में, लगे ही ना कि कुछ दूसरी टीम के पास अब कोई चांस बचा है इस मैच को जीतने का, या किसी भी लाइफ के किसी भी इवेंट में जहाँ पर सामने वाले को लगे ही ना कि, मतलब इलेक्शंस में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बुरी तरीके से हरा दे, तो वहाँ पर क्या कहेंगे उस केस में? उस केस में हम कहेंगे बीट हॉलो। फिर है ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट, अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट, ये मिस हो रहा है इसमें, मेट, तो हु हैव नॉट मेट बिफोर। ठीक है, ऐसी डेट, ऐसी मुलाकात जिसमें एक लड़का और एक लड़की पहली बार मिल रहे हैं और उससे पहले वो कभी फिजिकली नहीं मिले। अब ये अमेरिकन कल्चर में था पहले, तो अब तो इंडियन कल्चर में, इंडियन बिग सिटीज़ में भी आ चुका है, वो होता ही है कि आपने कैसे किया, आप तो फेसबुक चलता है ना, पहले आप फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, फेसबुक इंस्टा पे फ्रेंड बने, बातचीत शुरू हुई, इंटरेस्ट जागा एक दूसरे में, तो फिर मिलने मिलाने की बात हुई, तो उसको क्या कहते हैं? ऐसी मुलाकात को क्या कहेंगे? ब्लाइंड डेट कहेंगे। तो हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने ब्लाइंड डेट मारी हो, तो उसके लिए वर्ड यही है, अगर आपको नहीं पता है तो ये है, और जिनको नहीं भी ऐसी कोई डेट पे जाना है उसको, उनको भी पता होना चाहिए कि ब्लाइंड डेट का मतलब क्या होता है, जिनको डायरेक्ट शादी करनी है। फिर है बॉसम फ्रेंड,
बॉसम फ्रेंड है, वेरी क्लोज फ्रेंड, जिगरी दोस्त को क्या कहते हैं, बॉसम फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। वर्ड पर्टिकुलरली ये ना भी हो लेकिन ईडियम में जो है बॉसम फ्रेंड कहलाता है। मेरी तेरी दोस्ती मेरा प्यार वाला जो गाना था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे उसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या थे, तो वो बॉसम फ्रेंड वाला मामला है। दोस्ती यारी होनी चाहिए ज़िंदगी में, पर्टिकुलरली एसएससी की तैयारी में भी आपको दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, बॉसम फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको फ्रस्ट्रेशन के दौर में आपको होल्ड कर पाएँ, आपको इनक्रेज कर पाएँ, आपको डिस्करेज होने से बचा पाएँ, आपको मोटिवेट करें, आपको सही राय दें, आपको घुमाने फिराने ले जाएं कहीं पर आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो ऐसे दोस्त अगर आपके पास हैं तो यू आर वेरी लकी, एंड आप कुछ बन जाइए कल तो उनको मत भूलिएगा, उनके साथ रहिएगा। पर्टिकुलरली ऐसे लोगों के साथ तो रहना ही रहना है जो कि आपके बुरे दौर में, आपके स्ट्रगलिंग दौर में आपके साथ हों, उनको मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये 10 ईडियम्स थे जो हमने आज इस सेशन में डिस्कस किए हैं। आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वर्ड्स वर्ड्स कह रहा हूँ, बार बार वर्ड्स मैंने कहा है इस वीडियो में, इग्नोर करिएगा उस गलती को, लेकिन ये ईडियम्स जो हैं आपने जिन्होंने पढ़ लिए हैं, पढ़े हुए थे, उनको भी रिवीजन का एक अच्छा मौका मिला होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ईडियम से याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये ईडियम्स जो हैं क्वेश्चन के फॉर्म में जो हैं ज़रूर आ सकते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इनके आने की, क्योंकि ये ऐसे ईडियम्स हैं जो रिपीट पहले नहीं पूछे गए हैं। तो अब अगर कुछ नया पूछा जाएगा तो इन इन ईडियम्स के आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, हर बार बोलता हूँ सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और मेरी बनाई हुई इन वीडियोस को भी देखते रहिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर एंड गुड बाय।